नमस्कार, केटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। कटिहार के कुलासी चौक स्थित जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह के निजी आवास पर जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूँ केटीएन न्यूज में। कटिहार के कुलासी चौक स्थित जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह के निजी आवास पर जनप्रतिनिधियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि अभिनंदन व स्वागत समारोह आयोजन में सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपील करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत कार्य में यदि किसी भी अधिकारियों की पंचायती राज की योजनाओं में व पंचायत को सशक्तिकरण बनाने में लापरवाही होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजाद के जिला पदाधिकारी जी को मैंने कहा है कि विभिन्न जो प्रखंड जिला और ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें जो नोडल अधिकारी हैं, जो उस प्रखंड के प्रभारी हैं, वो निश्चित रूप से उसमें भाग लें, जिससे कि वो देख सकें, उसका अनुसरण कर सकें कि जो बैठकें हो रही है वो नियमानुसार हो रही है कि नहीं। और फिर जो उनके उनका सम्मान की बात है, निश्चित तौर पर सम्मान तो उन्हें देना ही है। ऐसे सभी अधिकारी जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रतिनिधि हैं, उनके उन्हें अपमानित करने का कोई अधिकारी साहस करेगा तो वे नापे जाएंगे। ये मैं स्पष्ट तौर पर आपके माध्यम से मैं उस तरह के अधिकारियों को चेतावनी भी देता हूँ, उन्हें सम्मान करें, उनके द्वारा दिए गए सुझाव को जो पंचायती राज एक्ट है उस एक्ट को कवर करते हुए उसे लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएं, ये हमने निर्देश दिया। थैंक यू जी। हमने अपनी समस्याओं को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है, उन्हें अपना स्मार्ट पत्र भी दिया है कि हमारी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिया जा रही है और हम जो आला अधिकारी हैं हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक प्रखंड में जो बैठ के जनप्रतिनिधि की बैठक होती हैं उनमें हमें बुलाया नहीं जाता है। अगर हमारे एक सदस्य ने बताया जो 26 से हैं गुलजार जी कि वो समिति की बैठक में गए तो उन्हें निकाल दिया गया, वो तो ये सब बहुत ही अपमानित है, अपमानजनक है हम सभी सदस्यों के लिए। तो इसी के बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हम सभी अपने समस्याओं को उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, क्योंकि हमने एक बार अपने प्रति आवाज़ भी उठाया, सभी अधिकारियों से बात भी की, लेकिन सब मुंह पे तो सब लोग मीठा मीठा बोल गए, किंतु अभी तक कोई भी ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जो जिससे हमें भी ये हो कि हम संतुष्ट हो। क्या लगता है योजनाओं में कमीशन लेने के लिए अधिकारी इस तरह प्रताड़ित करते हैं, क्या लगता है? देखिए, अब योजनाओं में कमीशन लेने की बात है या जो भी है ये तो मुझे नहीं पता है, अभी तक मैं भी नहीं जान पाई हूँ, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है उप मुख्यमंत्री जी से कि जो भी कमी हो उस कमी को दूर करें। और हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से आए हैं, हम विकास करने आए हैं, जीत के बाद हमारे क्षेत्र के विकास का अध्याय ही शुरू होता है कि हम क्षेत्र का विकास करें, और यही मेरी प्रार्थना।